राया विकास खंड की ग्राम पंचायत गुड़ेरा में वर्षों पुराना बना स्वास्थ्य केंद्र अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिससे ग्रामीण अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए दूर जाने को मजबूर हैं। राया विकास खंड के ग्राम पंचायत गुड़ेरा में वर्षों पहले बना स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस अस्पताल का निर्माण सन 2008 में बसपा सरकार के समय में हुआ था। उस समय इस अस्पताल को बनवाने में सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन तब से अब तक इस अस्पताल में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती नहीं हुई। ग्रामीण 2008 से लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती न होने से उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इन 11 वर्षों में कई सरकारें बदली, लेकिन किसी भी सरकार ने इस स्वास्थ्य केंद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया और अब तो इस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए मांग की कि स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत हो और यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो। 2007-08 में ये किसकी सरकार में होना है? बसपा सरकार में। तो तब से आज तक शुरू नहीं हुआ ना? कभी इसमें डॉक्टर बैठा ही नहीं। आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठा? डॉक्टर अभी तक नहीं बैठा। तमाम सरकार चली गई तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। तो इसकी शिकायत की है कभी आपने? हम तो अपने ब्लॉक पे दी शिकायत, कोई सुनवाई नहीं है, कई बार दी है जी। हरिओम जी, बताएं ये अस्पताल कब बना है? ये बना 2007-08 में। किसकी सरकार? बसपा सरकार थी। तो तब से आज तक शुरू नहीं हुआ? तब से सरकार से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। तमाम सरकार आती चली गई पर डॉक्टर की अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ से इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? तमाम पब्लिक परेशान होती है, मथुरा और भटकते राया भी जाना पड़ता है, और गरीब तबके के आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसकी शिकायत की है कभी आपने? कई बार की है, किसी भी सरकार में किसी ने सुनवाई नहीं की अभी तक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।